Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़े का और अच्छा ऑयल जिससे मेरी बेटी के जो बाल हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आया. इसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल लिया और अनियन को मैंने पेस्ट के फॉर्म में कर लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर मैंने जो अनियन का पेस्ट बनाया था उसको मैंने पैन में ऐड कर दिया. और इसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल लिया था, आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं या सरसों का तेल भी ले सकते हैं, मेरे पास ये था तो मैंने ये यूज़ किया. और बस फिर मैंने पैन में इसको हाई फ्लेम पे करके पहले, और फिर मैंने अच्छी तरह इसको फ्राई करती गई थी, साथ में मैं इसके अंदर स्पून चलाती गई थी ताकि ये नीचे से ना लग जाए. और जब अनियन ब्राउन होनी शुरू होगी थोड़ी सी तो इसका मतलब है कि आपका ऑयल हो गया है डन. और इट टुक गुड 20 मिनट्स टू कुक एंड एवेपोरेट ऑल द वाटर. तो फिर बस मैंने ये इसको लो फ्लेम कर दिया था और फिर मैं साथ साथ स्पून से करती गई. और उसके बाद फिर मैंने इसको उसी जो बॉटल थी ऑयल की, मैंने सारा ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया था. और फिर मैंने इसके ऊपर फनल रखा था और स्ट्रेनर रखा था और फिर मैंने इसको उसके अंदर पोर कर लिया था. तो बस थोड़ा बहुत एवेपोरेट हो गया था, मैंने फुल बॉटल इसके अंदर ऐड की थी लेकिन थोड़ा सा जो एवेपोरेट वगैरह हो गया था वो बस मेरा इतना ऑयल रेडी हो गया. और इसके बाद फिर मैंने मसाज कर लिया उसके स्कैल्प में और नीचे भी मैंने रूट्स पे भी कर लिया था क्योंकि रूट्स भी ड्राई हो जाते हैं. तो मैंने बस करके उसको शावर करवा के, और आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आया था इस ऑयल से सिर्फ एक ही दफ़ा एप्लीकेशन में. और अब मैं इसके लिए मैंने बना के जो रखा हुआ था अब मैं इसको हमेशा बना के रखूँगी इसी तरह से, क्योंकि अनियन आपको पता है कि ये हेयर फॉल रोकता है और इससे बालों में काफ़ी अच्छी शाइन भी आई थी और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई थी इससे. तो मैंने बाकी सबको भी घर में लगाया था तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इसका. अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.